नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल हिंदी गुरु जी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी बीएड से कुछ रिलेटेड जानकारी दे दूँगा। काउंसलिंग के समय बहुत बहुत से फ्रेंड्स और मैसेज आ रहे थे कि सर अभी भी कोई एक्चुअल कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ एकदम कन्फर्म एक्चुअल में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरत, और आप डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स जो बताऊँ वो आप डॉक्यूमेंट एकदम तैयार करके रख लें अगर आपके पास नहीं है तब। तो क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, क्या आवश्यकता होगी काउंसलिंग फिलहाल मैं बता दूं, काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन मोड होगी, कहीं आपको जाना नहीं है, केवल अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल सिस्टम से आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। उस पर स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, एंड जब आप कॉलेज मिलेगा आपको उस टाइम पर जब आप कॉलेज में वेरीफिकेशन कराने जाएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इन डॉक्यूमेंट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। शुरू करने से पहले आज का माइंड क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सतलुज। फ्रेंड्स, इसमें जो एक राइट ऑप्शन है जिसका राइट ऑप्शन आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए सही सही आंसर और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, कैंडिडेट्स वुड नीड द कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्ट कॉपी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आपको एक सेल्फ अटेस्ट फोटो पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका फोटो स्टेट एक सेल्फ अटेस्ट होना और एक ओरिजिनल आपका और टोटल ओरिजिनल भी साथ में होने चाहिए। उसके बाद आया प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल जो अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर है लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल से जब आप डाउनलोड करेंगे उसका प्रिंट आउट चाहिए, एंड उसके बाद होगा कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन फॉर्म, एंड एडमिट कार्ड का फोटो स्टेट, स्कोर कार्ड जो आपका जेई बीएड का जो एंट्रेंस का था स्कोर कार्ड वो आपको फोटो स्टेट में रखना है, एंड हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट वो आपको बस डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके लिए कंपलसरी होगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ वो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए वो मांगेंगे तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट दिखानी होगी। उसके बाद आ गया ऑल मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन की है उसका ओरिजिनल सभी मार्कशीट एवं उनके सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, आप फिर आता है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद आता है बेटे सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, ओरिजिनल होना भी चाहिए आपके पास, ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपके लिए ओरिजिनल फोटो आईडी, ओरिजिनल फोटो आईडी हो गया जैसे कि मान लीजिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ओरिजिनल फोटो चाहिए गवर्नमेंट वाइज इशू। उसके बाद फ्रेंड आता है टू पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने, दो पासपोर्ट पास फोटो होना चाहिए आपके फ्रेंड, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, करंट टाइम के ही होने चाहिए। उसके बाद आ गया कि आपने जितनी फीस पेमेंट किया है, जैसे मान लीजिए आपने जितना भी फीस पेमेंट किया है उनका सारी कॉपीज होनी चाहिए, इतना ही फ्रेंड्स आपको रखना है डॉक्यूमेंट्स अपना। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑल मार्कशीट मैंने बताया था, ऑल मार्कशीट में आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन टोटल मार्कशीट ओरिजिनल एंड उसके सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स इतना ही आपको रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, और फ्रेंड्स वीडियो रोककर आप खुद देख भी सकते हो। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी प्लीज लाइक करना बिल्कुल भूलें, मैंने सभी अपडेट जो पल का अपडेट आता है मैं बीएड का पूरा पल का अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सब अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जब भी काउंसलिंग होगी डेट किन किन डेट में किन किन का काउंसलिंग होगा वो पूरा अपडेट मैं आपको दे दूंगा जब भी नया अपडेट कोई आता है, तो ये सब जानने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों को जिससे उनको भी इस चीज़ का पता चल सके। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।